वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर अंग्रेजी बोलते समय नहीं समझ में आता कितने तरह के चाहिए बोलूं। मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, उसे एक बोतल शराब चाहिए, उसे नाचना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, ये समस्या बनी हुई आज के डेट में। हर एक बच्चा नहीं बोल पाता, नहीं लिख पाता, नहीं सीख पाता, कैसे करें। तो आज मैं इस सारे बच्चों के साथ आपको भी पढ़ा रहा हूं और ये चाहिए का सेंस दिखा रहा हूं। तो देखते हैं कि चाहिए का कितने सेंटेंस होते हैं। आप अगर शुरुआत करोगे वांट से, वांट करो, नीड करो, रिक्वायर करो, शुड करो, मस्ट करो और ought to, इस सब का मतलब होता है एक हिंदी जिसका है चाहिए। एक सेंस होता है क्या, चाहिए। अब चाहिए है प्रेजेंट, अगर तुम बोलना हो चाहिए था ते हो जाएगा पास्ट। अब चाहिए कैसा चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, उसे रोना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, उसे जाना नहीं चाहिए, मुझे मुझे नहीं उसे एक बोतल शराब चाहिए। अब यह जो कॉन्सेप्ट है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को चाहिए या चाहिए था को आप किस अंदाज में बोलेंगे, ये सबका हिंदी एक होता है, तो किस तरह से बोला जाए, आज इसका रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं। आप देखिए गौर से, आज इस रहस्य को आप सीखिए। पहले सीखते हैं वांट का प्रयोग कहां करते हैं। आपने सब लिख लिया होगा, वांट का सेंस है बेटा, ये ध्यान देना, जब भी कोई नॉर्मल चीज चाहिए, सामान्य सी चीज चाहिए, तो आप वांट का प्रयोग करना। यानी वांट इज यूज विद द सेंस ऑफ नॉर्मल सेंस, नॉर्मल विश, नॉर्मल डिजायर। लगातार लिखते रहो, पेन चलाओ तेज, दो कलम का प्रयोग ना करो, एक पेन लिखो फटाफट, लिख प्लस टू। तो हमने क्या कहा, वांट इज यूज विद द सेंस ऑफ नॉर्मल सेंस, यानी विश और डिजायर, नॉर्मल विश, नॉर्मल डिजायर। क्या प्रयोग करोगे, वांट का। नहीं, वांट का प्रयोग तब करना जब छोटी मोटी इच्छा हो, तो क्या प्रयोग करना है, वांट का। यानी इच्छा होना चाहिए, विश या डिजायर होना चाहिए, तो वांट का प्रयोग कर, लिख लिया फटाफट। यानी वांट का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, डिजायर में। डिजायर का मतलब चाहना, इच्छा, इच्छा या कामना। कोई इच्छा हो, कामना हो, तो वांट का प्रयोग करो। फटाफट देखो यहां पर स्ट्रक्चर क्या हुआ सर, तो सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर इसका दो तरह से फ्रेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड, या वांट या वांट्स प्रेजेंट हो गया और वांटेड पास्ट हो गया, प्लस वांट का एक नेचर है टू लगता है, प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड। लेकिन इसका मतलब चाहिए नहीं हुआ, इसका हिंदी होता है चाहता हूं। एग्जाम्पल फटाफट लिखो, आई वॉन्ट टू मीट यू, यहां पे हुआ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं तुमसे, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं तुमसे मिलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट, पूरा पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, आई वॉन्टेड टू ईट, मैं खाना चाहता था, वह रोना चाहता था, ही वॉन्टेड टू वीप, ही वॉन्टेड टू क्राई, वह खेलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू क्राई, ही वॉन्टेड टू प्ले, ही वॉन्टेड टू वीप, ही वॉन्टेड टू ईट। क्लियर, अब सेंटेंस है, वह खाना नहीं चाहता था, नेगेटिव बना से तो इसका, तो डू डज डिड का प्रयोग कर लोगे आप लोग, वह खाना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू ईट, क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ईट, तुम कब खाना चाहते हो, वेन डू यू वॉन्ट टू ईट, राइट। हमने बोला आई वॉन्ट टू ईट, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, डू आई वॉन्ट टू ईट, डोंट आई वॉन्ट टू ईट, वाई डू आई वॉन्ट टू ईट, वाई डोंट आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं, मैं खाना नहीं चाहता हूं, क्या मैं खाना चाहता हूं, मैं खाना क्यों चाहता हूं। क्लियर, तो ये हुआ विश और डिजायर। हमको पढ़ना क्या है, चाहिए। अब चाहिए के लिए वांट का क्या प्रयोग है उसको देखिए। हमने कहा छोटी मोटी इच्छा हो तो वांट का प्रयोग, इसका हुआ सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड प्लस, यहां टू नहीं आएगा, ए एन प्लस कोई ना कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन,
क्या भाई? अब वांट या वांट्स प्रेजेंट, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वांट्स लगाना, ही सी राम मोहन सुहान वांट्स, आई वी यू दे वांट, तो हमने कहा वांट प्लूरल, वांट्स सिंगुलर, वांटेड हो गया सिंपल पास्ट, इसे वी टू कहते हैं, वी वन कहते हैं, वी फाइव कहते हैं, ये दोनों मिलके प्रेजेंट हो गए, ए मिलके पास्ट हो गए, क्लियर? तो हमने कहा मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, आई वांट अ रेड शर्ट, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, आई वांट अ रेड शर्ट, देखो सब्जेक्ट हो गया, वांट हो गया, आर्टिकल एन लगा दिया, देखो आई वांट अ, एडजेक्टिव हो गया रेड, नाउन हो गया शर्ट, आई वांट अ रेड शर्ट, मुझे एक पीला पैंट चाहिए, आई वांट अ येलो पैंट, तुम्हें एक काला शर्ट चाहिए, यू वांट अ ब्लैक शर्ट, है ना जी, उसे एक पीली टोपी चाहिए, ही वांट्स अ ब्लैक कैप, येलो कैप, व्हाइट कैप, है ना, मुझे एक शर्ट चाहिए था, आई वांटेड अ रेड शर्ट, मुझे एक पीला शर्ट चाहिए था, आई वांटेड अ येलो शर्ट, तुम्हें एक हरा शर्ट चाहिए था, यू वांटेड, चाहिए था, तो चाहिए था वांटेड अ येलो शर्ट, रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, तो वांटेड हुआ, क्लियर? आगे बढ़े फटाफट जल्दी से, एग्जाम्पल अपने अंदाज में लिखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये था हमारा वांट। वांट का सेकेंड थिंग था हम लोगों का नीड, नीड। अब नीड क्या बच्चे उसमें जी गौर से, तो नीड का मतलब ये चाहिए, क्या चाहिए, तो लिख लो जल्दी से, जिसके बिना जीवन अधूरा हो उसके नीड का प्रयोग करना। नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत होगा, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, जिसके बिना काम ना चलता हो, जिसके बिना काम ना चलता हो, इच्छा नहीं है, ये जरूरत है। कैसे पता सर? तो भी समझो, हमने कहा मुझे शर्ट चाहिए और मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, अंतर बताओ, मुझे लाल शर्ट चाहिए फरमाइश है कि नहीं, तो फरमाइश हो तो वांट लगाओ, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, काला शर्ट चाहिए, पीला शर्ट चाहिए, फरमाइश है, फरमाइश में क्या आ जाएगा? वांट। लेकिन मुझे शर्ट चाहिए, फरमाइश है? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो भिखारी होता है फरमाइश करता है क्या? तुम्हारे पास आया भिखारी, बोला भाई साहब जाके दीजिए तो पीला शर्ट, तुम उसको देखोगे कि अच्छा पीला चाहिए तुम्हें, यानी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो भिखारी होता है वो कोई चुनता नहीं है, जो मिल जाए ले लेता है, यानी कि नीड का मतलब जरूरत, मनुष्य को हवा चाहिए, फरमाइश है कि भाई साहब बढ़िया वाला हवा, राम को चाहिए ऑक्सीजन, तो राम को चाहिए ऑक्सीजन, फरमाइश कर रहा है क्या कि भाई बढ़िया कंपनी का लाना ऑक्सीजन, वो तो मरा पड़ा है, जो घुसा दो बस, तो राम को ऑक्सीजन चाहिए उसे पी, है ना, तो जहां फरमाइश नहीं हो वहां क्या लगाना? नीड। मनुष्य को भोजन चाहिए, मनुष्य को पानी चाहिए, मुझे एक जो है पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये सब क्या है? जरूरत है। तो जहां जरूरत हो क्या लगाना? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड्स, नीडेड के बाद नाउन लगा देना, जरूरत पड़े तो आर्टिकल लगाओ, ना जरूरत हो छोड़ दो, ऐसे ही, क्लियर? एग्जाम्पल दो फटाफट, क्या लिखा? मुझे शर्ट चाहिए, मुझे लाल शर्ट चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, लाल लगा दूंगा वांट, लाल नहीं लगाऊंगा नीड, क्योंकि भाई शर्ट नहीं है तभी तो शर्ट चाहिए, भाई जो मिल जाए लाल पीला हरा जो मिल जाए, तो मुझे शर्ट चाहिए, आई नीड अ शर्ट, क्या लगाएंगे वहां? आई नीड अ शर्ट, है ना जी। और लिखो, मनुष्य को हवा चाहिए, मैन नीड्स एयर, मनुष्य को हवा चाहिए, मैन नीड्स एयर, ठीक है, मैन नीड्स एयर, मनुष्य को हवा चाहिए, मनुष्य को भोजन चाहिए, मैन नीड्स फूड, सुरेश को पानी चाहिए, सुरेश नीड्स वाटर, क्लियर? अगला देखो, नीड के बाद शुड, नीड के बाद रिक्वायर था, रिक्वायर चाहिए, फटाफट देखो, रिक्वायर, आर ई क्यू यू आई आर ई, रिक्वायर। अब रिक्वायर का मतलब ही बेटा चाहिए, रिक्वायर का मतलब ही एक ऐसा चाहिए सर, तो ये चाहिए क्या है, उसमें गौर से, रिक्वायर का मतलब ही चाहिए, कैसा क्या चाहिए, तो रिक्वायर का मतलब होता है भोग विलास की वस्तु चाहिए, लिख लो फटाफट, कैसे वो चाहिए, रिक्वायर का मतलब भोग विलास की वस्तु, ऐसो आराम की वस्तु, ऐसो आराम की वस्तु,
है ना, रिक्वायर का मतलब होता है लग्जरी थिंग्स, लग्जरी का मतलब क्या होता है, ऐशो आराम, एल यू एक्स यू आर वाई, लग्जरी थिंग, जब कोई लग्जरियस थिंग चाहिए, भोग विलास की वस्तु चाहिए तो वहां पे क्या लगाना बेटा, रिक्वायर, ये लगेगा कि जरूरत है लेकिन जरूरत नहीं रहेगा, ये जस्ट वांट का ही रूप है, ये अभी फरमाइश है लेकिन फरमाइश कैसा, लग्जरियस, ऐशो आराम। जैसे मुझे कार चाहिए तो कार चाहिए नीड है, लेकिन मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, लग्जरियस हो गया। मुझे एक कंपनी का नाम बता दिया हमने, मुझे एक बीएमडब्ल्यू चाहिए तो भोग विलास वस्तु की, मुझे नदी किनारे सुंदर सा घर चाहिए, भाई घर चाहिए तो ठीक है लेकिन नदी किनारे सुंदर घर चाहिए तो भोग विलास की वस्तु है, ऐसो आराम के लिए मांग रहे हो, कोई ना कोई मन में है गड़बड़। तो मुझे नदी किनारे सुंदर सा घर चाहिए, वहां पे बेटा रिक्वायर है। मुझे एक नौकर चाहिए, लग रहा है कि नीड है लेकिन नौकर चाहिए, नौकर क्या है, विलासता की वस्तु है, यानी कि आप बिना नौकर काम कर सकते हैं ना भाई, बिना नौकर काम कर सकते हैं ना, लेकिन नौकर चाहिए इसका मतलब कि भोग विलास की वस्तु है। ऐसो राम, आप चाहते हो खाना बन के मिले, तो जहां पे आपको जिसके बिना काम चल जाता हो तो आप काम कर रहे हो, और जहां पे काम ना चल रहा हो वहां नीड, जहां छोटा फरमाइश हो वांट, और जहां जिस भोग विलास हो वहां क्या प्रयोग करना, रिक्वायर। जैसे उसे एक बोतल शराब चाहिए तो उसे एक बोतल शराब चाहिए फरमाइश है, तो भोग विलास की वस्तु है, तो क्या लिखाना, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर से आ रिक्वायर्ड के बाद लगा दो तुम नाउन, लगा दो अदर वर्ड, हमने लगा दिया कि ही रिक्वायर्स अ बोटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बोटल ऑफ वाइन, उसे एक बोटल शराब चाहिए, उसे एक बोतल शराब चाहिए। और हाँ, अगर आपको सिस्टमेटिक क्लास करना है, एक सिस्टम से पढ़ना चाहते हो तो अब दिल्ली दूर नहीं है, सीधा उठो और आ जाओ क्रांति फैलाने के लिए दिल्ली में, दिल्ली मुखर्जी नगर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो ही रिक्वायर्स अ बोटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बोटल ऑफ वाइन, यहां से प्रयोग करो इसको, आप प्रयोग कर सकते हो यहां पे सेंटेंस का कि ही रिक्वायर्स अ बोटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ ब्यूटीफुल बंगला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ही रिक्वायर्स अ ब्यूटीफुल बंगला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी किनारे सुंदर सा घर चाहिए। आई रिक्वायर अ सर्वेंट, है जी, तो बात समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत है बोलो फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट तुम लोगों का है शुड, शुड का प्रयोग कहाँ करोगे भाई, अगला सेंस क्या है तुम्हारा, शुड, शुड भी प्रयोग है सच, चाहिए, चाहिए एक कैसा चाहिए, तो जब किसी को सलाह दो फ्रॉम लिखो एडवाइस करने के लिए, जब आप किसी को सलाह दे रहे हो सामान्य सा सलाह, नॉर्मल से एडवाइस कर रहे हो, क्या प्रयोग करना, शुड का। जब आप किसी को सलाह दो तो शुड का प्रयोग करो, शुड का प्रयोग करो, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो सलाह दे रहे हो तो शुड का प्रयोग करो, कैसे करोगे वो ध्यान दो। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस दर वर्ड, हिंदी निकल गया चाहिए, प्रेजेंट का सेंस देगा। सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ हैव लगा दो, शुड हैव वी थ्री अदर वर्ड, पास्ट का सेंस देगा, और ये हो जाएगा चाहिए था, चाहिए था। आपने बोला तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, उसे यहां आना चाहिए, ही शुड कम हियर, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड इंग्लिश, तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन इंग्लिश, है ना, तुम्हें उसे पिटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम, है ना। तो जितना मर्जी करे उतना अंग्रेजी बोलो, बस सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट, ए पे नॉट लगा दो, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था, शुड आई हैव स्टडीड, शुड आई स्टडी, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू,
तो आप जितना मर्जी करें एक सेंटेंस ले लो और छह बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आगे लिखो फटाफट जल्दी से मस्ट। अगला सेंस लिखो मस्ट। मस्ट मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं भाई, जल्दी लिखते फटाफट। मस्ट का मतलब होता है, देखो शुड और मस्ट में क्या अंतर है। शुड का मतलब पढ़ना चाहिए और मस्ट का मतलब जरूर पढ़ना चाहिए, और कोई अंतर नहीं, बोल चाल में कोई अंतर नहीं, बाकी तो सारे मॉडल से कहें। तो मस्ट का प्रयोग करना अर्जेंट, अर्जेंट एडवाइस। जब आप किसी को सलाह आप अर्जेंटली दे रहे हो, कंपल्सरी दे रहे हो, यानी मस्ट का प्रयोग करना कंपल्सन में। मस्ट का प्रयोग कहां करना, कंपल्सन में, जहां मजबूरी हो वहां मस्ट लगा दो। स्ट्रक्चर क्या होगा सर, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी वन अदर वर्ड, प्रेजेंट का सेंस, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव वी थ्री अदर वर्ड, पास्ट का सेंस हिंदी होगा अवश्य चाहिए था, और यहां पे होगा जरूर चाहिए। ठीक है बच्चे, जरूर चाहिए, फाइन। यहां पे इसका यूज कर लो, जैसे यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए था। वह अपना ऑफिस जरूर छोड़ दिया होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज जॉब। वह अपना ऑफिस अवश्य छोड़ दिया होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज जॉब। उसे ऑफिस जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो हिज ऑफिस। राइट, वह ऑफिस छोड़ दिया होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज ऑफिस। ही मस्ट हैव गोन हिज ऑफिस। यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। यू मस्ट हैव रिटन इंग्लिश। यू मस्ट रीड इंग्लिश। यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट सिट हेयर। क्लियर है, तो मस्ट हुआ क्लियर, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर। किसी को डाउट है लाइफ में बोलो, कंपल्सन, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स। तुम्हें कठिन परिश्रम जरूर करना चाहिए 80% मार्क्स लाने के लिए। बोलो कोई डाउट, एग्जाम्पल कर लोगे। जहां पे दिक्कत है वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, हजार बार देखो, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। अगला लिखो ऑट टू। ऑट टू, ऑट टू का मतलब भी बताओ, होता चाहिए, एक कैसा चाहिए भाई, यह भी चाहिए। तो ऑट टू और शुड में कोई अंतर नहीं, ऑट टू बराबर शुड, कोई चेंज नहीं, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। ऑट टू और शुड में कोई अंतर नहीं है, जहां जहां ऑट टू आएगा वहां वहां शुड आएगा। बट ऑट टू जो है एक मोरल कॉन्सेप्ट को शो करता है, यानी कह सकते हो आप कि ऑट टू इज यूज्ड कहां भाई, मोरल एडवाइस या फिर मोरल ड्यूटी। जहां पे नैतिकता की बात करें ना, वहां हम ऑट टू लगा सकते हैं। जहां नैतिक हो जाए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, देश को प्यार करना चाहिए, है ना। तो जहां पे आपको नैतिकता लगे वहां क्या लगा देना, ऑट टू लगाना ज्यादा अच्छा है। क्या सर शुड लगा दूं, क्या लगा दो, शुड मन करता है शुड लगा दो, लेकिन ऑट टू लगाना ज्यादा अच्छा है, शुड गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर देख लो बच्चे, क्या ऑट टू का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। राइट, यू ऑट टू लव योर कंट्री। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए। यू ऑट टू ओबे, ओबे मतलब बात मानना, ओबे योर पेरेंट्स। राइट, इसी को था बोल देंगे तो हो जाएगा ऑट टू हैव वी थ्री प्लस अदर वर्ड। तो हमने क्या कहा, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, इसका मतलब ही चाहिए, इसका मतलब चाहिए था,
चाहिए था। बोलने पर ध्यान दो बेटा, यूट्यूब जो देख रहे हो, एक एक चीज सिखा रहा हूं, क्लास का ही दे रहा हूं वीडियो आपके साथ। अब यहां देखो, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर, यू ऑट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, नेगेटिव बना सकते हो, यू ऑट नॉट टू, ध्यान देना ऑट के साथ नॉट तब टू लगेगा, तो यू ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, हालांकि गलत हो जाएगा क्योंकि टीचर का सम्मान तो करना चाहिए ना, तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। क्लियर? इस तरह से हम लोग पूरे वीडियो को पढ़ेंगे। और हाँ बच्चे, एक बात ध्यान रखना, जितने सिस्टम हो, आप अगर ऑनलाइन मोबाइल पे सिस्टमेटिक क्लास पढ़ना चाहते हो तो अब आपको दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, मोबाइल पे डॉट डालो www.dslenglish.com और घर बैठ के आप सारे बुक्स मिल जाएंगे, घर बैठ के पढ़ाई पढ़ सकते हो, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे विश्व में, कहीं भी आप हो आप क्लास ले सकते हो। इसके साथ साथ आप उन बच्चों की मदद करिए जिनको इसकी आवश्यकता हो, जिनको समस्या हो कि चाहिए कितने से होता है, और पूरे भारत में फैलाइए। और हाँ, आप धर्मेंद्र सर मिलना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली दूर नहीं है, क्रांति फैला दो पूरे भारत में। थैंक यू वेरी मच।